झांसी जिले के लहचूरा थाने में बयान देने के बहाने बुलाकर थाना अध्यक्ष ने एक महिला को डराया धमकाया। जानकारी के अनुसार थाना लहचूरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव की महिला ने अपने ही ससुर के ऊपर लहचूरा थाने में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर थाना लहचूरा प्रभारी ने उक्त पीड़ित महिला को थाने में बयान हेतु थाने बुलाया और उसे थाने में ही धमकाने लगे और असभ्य भाषा का प्रयोग कर महिला को धमकाते हुए कहने लगे कि तूने ससुर को झूठा फंसाया, अब तुझे ही अंदर कर देंगे, जिससे महिला थाना लहचूरा प्रभारी की शिकायत लेकर क्षेत्र अधिकारी मऊरानीपुर के पास आई और प्रार्थना पत्र देकर जांच कर कार्यवाही करने की मांग की। आपको बता दें कि पीड़ित महिला जब अपने साथ हुई घटना का प्रार्थना पत्र लेकर लहचूरा थाने गई थी, तब भी लहचूरा प्रभारी ने उसी को बैठा लिया था और कुछ असरदार लोगों के कहने पर उससे डरा धमका कर प्रार्थना पत्र वापस लेने को कह रहे थे, लेकिन क्षेत्र अधिकारी स्नेहा तिवारी को जानकारी होने पर उन्होंने थाना लहचूरा प्रभारी को पीड़ित महिला को न्याय देने के लिए आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, तब कहीं जाकर महिला को न्याय मिला था। लहचूरा थाने से किस मामले को लेकर फोन आया? मतलब कि हमने ससुर मुकदमा लिखा था, चार पांच दिन पहले मुकदमा लग गया था, तो उस दिन भी हमें पूरी मतलब 6:30 बजे रात तक मतलब बंधक बना के बैठाए रहे, बोले कि एक खराब हो गया, बे खराब हो गया, मतलब कि मतलब ये राजीनामा कर ले, तो वो लोग पहले दबाव डालते रहे। आज सुबह आया फोन दरोगा, मतलब दरोगा जी का, बोले लगे बेटा मतलब पिंकी आप थाने आओ और आपके बयान लेना है। हम यार ठीक है हमारे, हम जब थाने पहुँचे वहाँ पर तो थोड़ी देर रुके और मैडम वहाँ से आई, तो मतलब मैडम और जो हमारी ससुर की मौसी है वो दोनों जने हम पे दबाव डालने लगी, मैडम डालने लगी, बोली कि काकू जी आप बेचारे अपने ससुर को पता रही हो, मुकदमा लगवा दिया, अभी तुमको तसल्ली नहीं है, ज़्यादा करोगी तो मतलब तुम तेज मत बोलो, यहाँ पे घर नहीं है और 4-5 दिन से वहाँ पे बैठा ले, अभी गए तो फिर से बंधक बनाने लगे, दबाव डाल धमकी देने लगी है। कौन बैठा 4-5 दिन? मतलब लहचूरा थाने में हमारे ससुर को 4-5 दिन से बैठा रहे, मुकदमा। किस मामले में मुकदमा लगा था? छेड़छाड़ी के। आपके साथ की थी? हाँ। आप आज कहाँ पे आई? हम सीओ मैडम के ऑफिस आए। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब हम वहाँ पे जाते हैं तो ये लोग हम पे जो जबरदस्ती बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मैडम है, बयान देने के लिए जाती हैं तो वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ, हम बयान देने के लिए जाते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे साथ हुआ उसके लिए हमें इंसाफ मिले और वहाँ थाने जाए तो कोई जो जबरदस्ती ना हो, कोई धमकी ना मिले हमको। हाँ,